हेलो एवरीवन, देखिए ये क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीनों की पहचान करना कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक अभिकर्मक होता है जिसका नाम होता है हिंसबर्ग अभिकर्मक। ठीक है, हिंसबर्ग अभिकर्मक की क्रिया से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन की क्या किया जा सकता है, पहचान किया जा सकता है। तो यही देखिए क्या है, हिंसबर्ग अभिकर्मक है। इसका देखिए क्या नाम है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5SO2SO2Cl। यही क्या होता है, हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसी की सहायता से क्या कर सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीनो की पहचान कर सकते हैं। ये क्या है, इसको लिख लेंगे क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये कौन सा अभिकर्मक है, हिंसबर्ग अभिकर्मक है। ये क्या है, हिंसबर्ग अभिकर्मक है। ठीक है, ये इसकी संरचना, ये सूत्र है। ठीक है, तो अब देखिए जब 1 डिग्री अमीन का कराएंगे, देखिए जब प्राथमिक अमीन का अभिक्रिया कराएंगे हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ, ठीक है, तो देखिए क्या देगा, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ प्राथमिक अमीन 1 डिग्री के लिए। ठीक है, 1 डिग्री परीक्षण के लिए, 1 डिग्री अमीन के लिए जब कर रहे हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ, ये आपका हो गया हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड एस डबल बॉन्ड ओ ये सी एल प्लस। देखिए क्या लेंगे, यहाँ पे पहले 1 डिग्री अमीन का कर रहे हैं तो यहाँ पे लेंगे एच एन हो गया, यहाँ पे भी H है, ये R हो गया, यही होता है RNH2। ये क्या है, प्राइमरी अमीन है। अब देखिए इस यहाँ पे इसकी प्राथमिक अमीन के साथ 1 डिग्री अमीन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो यहाँ पे यही जो देखिए ये जो होता है ये निकल जाता है। ठीक है, तो क्या निकल रहा है, माइनस HCl। ये क्या है, माइनस HCl ये निकल जा रहा है। और देखिए उत्पाद में क्या बन रहा है, यहाँ पे उत्पाद में बनेगा, ठीक है, उत्पाद में एस डबल बॉन्ड हो, इस साइड भी डबल बॉन्ड हो, फिर देखिए यही ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे आकर के ये जुड़ जाएगा, ये N है, ये H है, ये क्या है, R है। ठीक है, तो ये देखिए आपका उत्पाद में बन रहा है क्या, N एल्किल बेंजीन सल्फेनेमाइड। क्या बन रहा है, N, ये क्या है, N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बन रहा है। ठीक है, अब इसके पास देखिए एक हाइड्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास क्या है, एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कैसी अम्लीय है। ठीक है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, ये क्षार में विलेय होगा। क्या होगा, क्षार में विलेय होता है। ठीक है, ये क्या होता है, क्षार में जो विलेय होता है एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ये क्षार में विलेय होता है क्योंकि नाइट्रोजन से क्या है, एक अम्लीय हाइड्रोजन जुड़ा होता है, इसलिए ये विलेय होता है। अब इसी की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, 2 डिग्री अमीन के साथ कराएंगे। ठीक है, मान लीजिए ये बेंजीन, ये क्या हो गया, हिंसबर्ग अभिकर्मक हो गया, ये एस डबल बॉन्ड ओ ये सी एल। ठीक है, अब देखिए 2 डिग्री अमीन के साथ आपको यहाँ पे कराना है। ठीक है, ये क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गई, इस पे देखिए 2 एल्किल समूह जुड़े हैं, तो ये क्या हो गया, ये 2 डिग्री ये अमीन हो गई। ये तो प्राथमिक अमीन थी, ये 2 डिग्री के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो 2 डिग्री में भी क्या होगा, यहाँ से एच सी एल निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एच सी एल। तो देखिए क्या उत्पाद में बनेगा, ये बन जाएगा यहाँ पे ये S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे देखिए क्या है, N है। ठीक है, N और 2 क्या जुड़े हैं, R एल्किल ग्रुप जुड़े हैं। ठीक है, और HCl निकल जा रहा है। अब देखिए इस नाइट्रोजन के पास कोई भी क्या है, हाइड्रोजन जुड़ी नहीं है, हाइड्रोजन नहीं जुड़ी है तो अम्लीय नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, क्षार में अविलेय होगा। क्या हो जाएगा, क्षार में अविलेय होगा, अविलेय होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्षार में विलेय होगा। अब देखिए इसका क्या नाम होगा, एन 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 डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड होगा। क्षार में क्या होगा, अविलेय मिस अघुलनशील होगा, और ये क्या होगा, क्षार में विलेय मिस घुलनशील होगा। अब देखिए 3 डिग्री अमीन का इसी के साथ क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो ये आपने ले लिया, ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हो गया, हिंसबर्ग अभिकर्मक है, एस डबल बॉन्ड ओ ये क्या है, सी एल। अब देखिए 3 डिग्री अमीन के साथ करते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, एन, इस साइड भी एल्किल समूह, इस साइड भी एल्किल समूह कोई लगा, इस साइड भी। अब इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो ये अभिक्रिया ही नहीं देगा, तो 3 डिग्री के साथ ये कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये देखिए क्या हो गया, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अमीनों की पहचान ऐसे कर सकते हैं। पहला 1 डिग्री के साथ करेंगे, क्या है, हिंसबर्ग अभिकर्मक, क्या है ये, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ कर रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है, क्षार में विलय है, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनिमाइड बन रहा है। 2 डिग्री के साथ करेंगे तो यहाँ से ये निकल जाएगा, तो ये क्या करेगा, बनेगा एन एल डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनिमाइड। और 3 डिग्री के पास देखिए कोई भी हाइड्रोजन है, इसलिए ये अभिक्रिया नहीं देगा, तो ध्यान में रखना इसके पास एक हाइड्रोजन इसलिए क्षार में विलय है, और इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है इसलिए ये 2 डिग्री ये क्षार में अविलेय है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या कर सकते हैं, ये विभेदन कर सकते हैं। ओके चलिए ठीक है, ओके इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू।